भी है, मैं श्रीनगर में रहना रहता हूँ। अभी अगर आपको पता है कि केसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें जाए 200-300 रोज़ केसेस निकलते हैं कश्मीर में। तो मुझे लगता है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है श्रीनगर के लोगों को कि मास्क वेयर कर लगानी चाहिए और सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए, मतलब और भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए ताकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस और मास्क वेयर करें। अभी अगर आप देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं जो मास्क वेयर कर रहे हैं, और ये मसला है कि गवर्नमेंट ने बस ऑर्डर निकाला और जो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे लोगों को पुलिस एंड दे हैड टू कम ऑन ग्राउंड एंड लुक कि लोगों ने मास्क पहनी या नहीं है, लगता है वो एक कमी है। बाकी ऑर्डर जो है उसको हम वेलकम करते हैं। कोविड-19 के जो केसेस है उनमें उछाल देखा गया कुछ दिन से, और कोविड-19 के केसेस में जिस तरीके से स्पाइक आ रही है उस ये जाहिर है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी वेव्स झेलने के बाद हर किसी को मालूम है। और मैं इतनी आपके ज़रिए आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि मास्क पहनना, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने और अपने आप को बचाएँ और अपनी हिफाजत करें, क्योंकि केसेस लगातार स्पाइक देखी जा रही हैं। पिछले कई दिनों से जो कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, अपील यही रहेगी कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को उन्होंने थोड़ा सा, हम सभी लाइट लेते हैं, जो ही केसेस कम हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, मास्क रखना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए शादियों का जो आज सीज़न चल रहा है, वहाँ जहाँ भी ज़्यादा गैदरिंग होगी वो मास्क रखे और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। बाकी जो इम्यूनाइज्ड है सारे, ऑलमोस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है सारों ने वैक्सीन करे हैं, वैक्सीन से भी हमें बड़ा प्रोटेक्शन मिला है। उसके बगैर जिसको कोविड हुआ भी है तो उससे भी एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है। जो भी केसेस अब आ रहे हैं उनका जो सीवियरिटी बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन SOPs का ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है ताकि ये और ना फैले। वो भी कह रहा था कि सेकंड वेव में आपने देखा मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो गई, मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो गई, बड़े सारे लोग हॉस्पिटलाइजेशन उनके हो गई। इस वे में जो देखने को आया है केसेस तो पिछले कुछ दिनों से जो बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं हुई, कोई सीवियर केस हमें ज़्यादा नहीं मिला। ये इसी का नतीजा है जो वैक्सीनेशन हुई है और जो हर्ड इम्यूनिटी बनी है। हमने तो देखा होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का हो गया बूस्टर डोज, ओल्ड एज जो मोर देन 60 उनका हो गया, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है उनका बूस्टर डोज हो गया, वो तो दैट्स गोइंग ऑन। हमें अलर्ट रहना है, हमने सावधान रहना है, मास्क लगाना है, गैदरिंग में थोड़ा सा मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, बाकी अभी अलार्मिंग कुछ नहीं है। पता ही है कि वो स्कूल में ज़्यादा ही देखिए, वहाँ जहाँ स्कूल होगा या जहाँ कहीं, जैसे मैंने शादियों का भी बोल दिया, लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा जहाँ भी गैदरिंग होगी वहाँ यही एडवाइजेबल है कि वो पूरा SOPs का पालन करें। यही है कि आपका ये दिस इज़ यूनिवर्सल, ये जो आपको मास्क मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन है, हमें नहीं लग रहा है लेकिन ये बड़ा प्रोटेक्शन दे रहा है। मास्क रखनी चाहिए और हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस।